बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं आपके पसंद प्रोग्राम द टिकटॉक शो में। आप बन सकते हैं घर बैठे करोड़पति। मैं हूं आपका मेजबान रहीम खान। नंबर जहां तक आप अपनी वीडियोस भेजते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी जरूर भेजेंगे वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमेशा की तरह पहली कैटेगरी टिकटॉक हीरोइन की होगी, लेकिन वहां जाने से पहले आपको बता दें कि रमजान का पूरा महीना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ गुजर गया है, और जिन लोगों के साथ खैर खैरियत के साथ नहीं गुजरा है अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके अड़ोस पड़ोस दोस्त यार अहबाब और साहिब हैसियत जो लोग हैं वो उनकी तरफ नज़र ज़रूर करें। तस्वीरें खिंचवाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको देखकर बहुत सारे लोग और भी ये काम करना चाहेंगे जो कि आप कर रहे हैं, यानी गरीबों की मदद। लेकिन तस्वीरें खिंचवाने के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद वसूल करते हुए अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहते, तो उनकी मदद भी कीजिए बिना तस्वीरों के, उसमें भी ज़रूर आपको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। चलते हैं पहली कैटेगरी टिकटॉक हीरोइन की जानिब। पहली वीडियो कौन सी आए देखते हैं। पानी दी की गल कर दे, पानी दी की गल कर दे, तूनू पोछ पिला दांगे, साडे नाल दिल नाल वो तूनू इटली कमा दांगे। दस की करा तेरे ते मरा, कहण तो डरा कह लैण दे, तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहिंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे। माई गॉड, उसके बिन आप न मरते हैं न जीते हैं, यानी शायर इस शेर के अंदर ये कह रहा है कि बिना उसके आप होम्योपैथी की गोलियां हो चुके हैं जिसका ना कोई फायदा है ना नुकसान, खाते रहो चूसते रहो मीठी मीठी है, मजा आएगा। नेक्स्ट। उन्हें भी तो अभी एक और कर्म से गुजरना है, उन्हें भी तो अभी मेरा निकाह किसी और से होते देखना है। शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी। देखो लड़की, जोगिया को मत बुलाओ, इतने लंबे लंबे नाखून देख के जोगिया भी भाग जाएगा। तुम जोगिया पे वीडियो ना बनाओ, तुम वीडियो बनाओ ब्लैक पैंथर पे, तुम्हारे नाखून भी ब्लैक पैंथर वाले, फुल वकाडा चली जाओ तुम, बेहतरीन। ओलाला इलाले इलाले ओलाले, टू गुड। नेक्स्ट। जिंदगी चस नाल गुजारो, जेड़ा सड़दा है उन्हूं होर साड़ो। कहते हैं ना कि तुम्हें तकलीफ में नहीं दिख सकते, कसम खुदा की जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ यही लोग देकर जाते हैं। लोग देखते ही मुरीद हो जाते हैं, हम अंदाज ही ऐसा रखते हैं। वेरी गुड भाई, लोग देखते ही मुरीद हो जाते हैं, हम अंदाज भी ऐसा रखते हैं। ये मोहतरमा वही हैं जो जब मुर्शिद के पास जाती हैं तो उन्हें कहती हैं मेरे ख्वाब में अंग्रेज आते हैं। मुर्शिद इनसे कहते हैं भाई लंडे के कपड़े मत पहना करो। तो ये इसी वजह से जो है लोग इनके मुरीद हो रहे हैं। क्रेडिट गोज टू लंडा, प्लीज अवॉइड लंडा। नेक्स्ट। कहते हैं खूबसूरत लोगों को देखने से उम्र बढ़ती है, पता नहीं आपके पास मेरी तस्वीर है या नहीं, मेरी ये वीडियो सेव कर लें आप। गुमश
शुदा दिल जिगर रफ्ता रफ्ता सनम। अरे तुम तो फिर भी गेर हो, मुझे देखकर तो मेरे अपनों की भी जलती है। यस, शायर यहाँ जिस चीज़ के जलने की बात कर रहा है वो है दिमाग की बत्ती। आपने देखा होगा जब भी कुछ सोचते हैं तो यहाँ पर एक बल्ब जलता है और उस बल्ब के अंदर कोई फोटो बना हुआ आता है। दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। देखो बड़ी मुश्किल से कवर किया, नेक्स्ट टाइम ये छिछुरबन मत करना। नेक्स्ट। टूटी तस्वीरें कैसे जोड़ूं मैं, झूठे तारे कैसे तोलूं मैं, इश्क था सच्चा मगर तुम बेजान थे, काश कभी तू समझता मुझे। Obsessed with you? Yes, yes I am, bitch. तेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया, मुझे तो मिला तू ही मेरे होंठों की खिलती हुई सी हंसी। वेरी गुड, बेहतरीन वीडियो। और जैसा कि आपने इस गाने के अंदर बताया कि आपके जैसे लाखों मिले होंगे, आपको मिला सिर्फ वो ही, इससे ऐसा लग रहा है कि उसके पास कम से कम भी रोल्स रॉयस है। मतलब आपके जैसे लाखों उसी को मिल सकते हैं जिसके पास रोल्स रॉयस है। गोल्ड डिगर्स, भरपूर शदीद। नेक्स्ट। बेजान वाले इंज छड़ के मर्द सिर्फ इज्जत देता हुआ ही अच्छा लगता है। ये बंगला, ये गाड़ी, ये तो औरत का नसीब है। ये भी ठीक है, मतलब ये अच्छा, ये ताना जो है ना मर्द को बचपन से सुनने को मिलता है। शुरू में उसे जो मिल रहा है वालदैन के नसीब से मिल रहा है, बाद में बीवी के नसीब से मिल रहा है, उसके बाद औलाद के नसीब से मिल रहा है। ठीक है, एक काम कर भाई, तू घर पर बैठ जा। हाँ, तू टेंशन ही ना ले, तुझे तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा तो 10% तो दे दो यार इस बेचारे को क्रेडिट के, वो मेहनत तो कर रहा है ना। नेक्स्ट। पड़ के सी तेनू ले जाऊंदे जे चलदा साडा कोई जोर होंदा, असी तेरे पीछे क्यों रुलदे जे तेरे जिया कोई हो। इश्क ने रोगी कीता है तेरे, मुझको ही रखना निगाहों में पनाहों में, यूं मैं दीवानापन कुछ है तेरी अदाओं में, तेरे चेहरे से नहीं हटती मेरी नजर, जीना है मरना है अब तेरी ही बाहों में। थोड़ा खुद को उड़ियो संभालो जरा, यूं खुले आम हमको पटाना है बुरा, करना सही हम करें तो क्यों गलत बात। कदमों में तेरे मैं दो जहां चैन बेहतर। यार ये कौन सा लोगो है, BW शायद, और क्या आता है BW से? BMW तो हम समझते हैं, उससे क्या आता है, BW से क्या आता है? एनी आइडिया? नहीं, ओके चलो, मेरे ख्याल में ये मकसद BMW वाला ही है, इसमें से M गायब है। नेक्स्ट। बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा। सोनिया भी लगने गियां फे बालियां, गला नाले जदो टकराइया वालियां, तारे देखी लब लब किवे हर दे, तू वाला चल कोई जदो रातां कालियां, मैं सब कुछ हार तेरे उत्तों दूंगा, सब कुछ वार तेरे उत्तों दूंगा, आखिर च जान तेरे दूंगा।
बेहतरीन वीडियो और इसके साथ कैटेगरी होती है। तमाम चलते हैं कैटेगरी टिकटॉक हीरोज की लाइन पर, देखते हैं फटा पोस्टर तो निकला कौन सा हीरो। और अकेले रह जाते हैं वो लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो शख्स आदत डालकर रिप्लाई ही नहीं करता। मोहब्बत तो किसी और से थी उसे, मगर मेरा शिद्दत से चाहना पसंद था उसे। दिल में रहकर दिल दुखाती हो मेरी जान, अपना मुकाम देखो और अपना काम देखो। वेरी गुड मेरे दोस्त, मैं तो कहता हूँ अपनी सेहत देख और अपनी जान देख, और अपनी ख्वाहिशें देख, अपने अरमान देख। है बे भाई, ए दोस्त फरामोश, तेरा होश कहाँ है, हड्डियाँ बची, तेरा गोश कहाँ है, थोड़ा सेहत पे लगा मेरे दोस्त। जल जल के तू देख क्या हालत कर ली है। स्किन और हड्डी के बीच में कुछ एक गोश्त नाम की चीज़ होती है, वो ढूंढने पे भी नहीं मिल रही। नेक्स्ट। मुमकिन ही नहीं दर दर पे झुक जाओ, मेरा रब भी एक है, मेरा सर भी एक है। कोई शाम मुझ में कयाम कर, मेरा रंग रूप सवार दे, जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरी बाकी उम्र सवार दे। वाह वाह वाह, जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरी बाकी उम्र संवार दे। भाई उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतज़ार में। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, भाई साहब जब उम्रे दराज चार दिन की मांग के लेकर आए हैं तो ये टेस्ट मैच पाँच दिन का क्यों है? ये एक्स्ट्रा एक दिन कहाँ से आ रहा है जो टेस्ट खेलने के लिए दिया जा रहा है? यही आपका असल टेस्ट है। नेक्स्ट। मैं खानदान की पाबंदियों से वाकिफ हूँ, शुक्र है खुदा का उस शख्स ने वफा नहीं की, हजार बार उछाला है जिंदगी ने, बुरा जरूर मनाया लेकिन बद्दुआ नहीं की, और तेरे गुरूर से बढ़कर मेरी अना है मुझे, तुम पूछते हो मोहब्बत जा नहीं की। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती, खोले गए लव, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। मैं कुड़ता रहता हूँ ये सोच करके तेरे पास, फुलां भी बैठा हो शायद, फुलां तो होगा ही। पल पल मुझे डुबाए जाते और दुनिया गवाह है कि औरत हमेशा उस मर्द से बोर हो जाती है जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। देख भाई पिंकी पू, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया के अंदर हम भी हैं और हमारा पूरा माशरा भी है, पूरा स्टूडियो भी सब है, हम कद्दू इस बात पे बिलीव नहीं करते। तो बिला वजह जो है ना अपनी चवले मारने के चक्कर में दुनिया को गवाह ना बनाया करो, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो तुम्हारी ये बात सुन के थू थूई कर रही होगी। जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो सबके साथ नहीं होता, अपनी करतूतें भी तो देखो, एक टाइम के ऊपर चार चार चला रहे होते हो तुम, अफेयर पकड़े जाते हो तो फिर कहते हो यार मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो समझती नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हमारे बीच, इसलिए ब्रेकअप हो गया। और ना होए। नेक्स्ट। बस दाओ मेरे सारे जच दाओ मेरे रानी, मौला मेरे किस्ता तू कमानी, हीरे साडे इश्क च होए बुरे हाल, तुझपे मेरी है दावेदारिया, तुझसे है दिल की साझेदारिया, ओ चखना भी चाहो रखना भी चाहो सबसे छुपा के उसे, तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनक सारी तुमसे ही।
वेरी गुड मेरे दोस्त, बेहतरीन वीडियो आपने ये जो मोहल्ले के चौराहे पे बनाई है ना, यकीन करो आपके वालिद अब्दुल गफूर भाई या अब्दुल जब्बार भाई या जो भी भाई हैं, उन्हें लोगों ने पकड़ पकड़ के कहा होगा यार देखो अपने बेटे को हाथ से निकल गया है, कितना छिछोरा हो गया, लड़कियों के घरों के सामने जा जाके वीडियोज़ बना रहा है। ये एक माहौल होता है, अच्छी खासी अपने घर की छत पर बना सकते हो, फिर ये क्या ज़रूरत है उसके घर के बाहर वीडियो बनाने की। पीछे नंबर प्लेट के ऊपर नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है, मकान नंबर, अच्छी बात नहीं है ये। नेक्स्ट, शाम दे दे जो किसी को ना दिया हो मुझे वो इनाम दे। दुनिया मेरी हमदम हो आसमां मिला सभी को मेरी यादे यादे पूरे जब से वाह सर वाह, इस सन्नाटे वाले सैलून में जा करके आपने जो वीडियो बनाई है ना, ये सैलून ही था ना? है भाई जरा क्लियर कर दो यार मुझे, सैलून था, सैलून था ना? हाँ, इस सन्नाटे वाले सैलून में जाके जो तुमने वीडियो बनाई है ना, उससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ तुम्हारे जैसे ही क्लाइंट आते, इसलिए और कोई भी नहीं था, तुम अकेले ही थे। ये ना करो भाई, इसको जो है ना वो नेगेटिव मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, जान वाले इंज छिड़के ना जाऊंगी कितने वादे सारे ओ तोड़ने भावी। बेहतरीन वीडियो नाजरीन, और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। विदारत महबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान, बत्तियां बुझा दो। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन, वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके मतलब प्रोग्राम द टिकटॉक शो में। आप बन सकते हैं घर बैठे करोड़पति, चलते हैं कैटेगरी टिकटॉक आंटी की जाने पर देखते हैं। आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, एंड स्टिल स्टार पार्टीज। मैं आंखों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं पा रही हैं। अब मैं मुंह से जो है वो बताता हूँ आपको कि जब हाथ और मुंह दोनों एक साथ एक फ्रेम में आएं तो हाथों पे भी थोड़ा मेकअप कर लिया करें या मुंह पे थोड़ा कम मेकअप कर लिया करें, ताकि ये पता चल जाए कि ये हाथ उसी शख्सियत के हैं जिसका मुँह वीडियो में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, सजा ले वो जीवे उस भुला
ओके ठीक है, मतलब ऐसा ही होता है भाई, जैसे को तैसा, उसने भुला दिया आप भी भुला दें, इसके ऊपर ये सड़ी हुई वीडियो बना के भेजने की क्या ज़रूरत है। सड़ी हुई से मेरा मुराद ये है कि इतने उदास होकर के, उदास चेहरा और लब परेशान, अजीब गरीब, पता नहीं शायर तो कैसे मिला लेते हैं यार बात से बातें, चवल है कुछ। नेक्स्ट, शायद मुझे हर जगह तुम ही नजर आते हो, तू प्यार कीता के तवीज सौंधी सी बात है राहत से नाते। ओहो, तेरे इश्क ने कीते तूने ते तवीज जानिया, ये हुआ है कुछ, मामला है, मामला गड़बड़ है। आप ऐसा करें, हम आपको एक पीरनी का नंबर देंगे, नाम नहीं बताएंगे, आपने गैस कर लेना है नाम खुद ही, वी डोंट केयर। हम आपको एक पीरनी का नंबर देंगे, उनके पास कुछ मौके हैं, आलिया मैं बता दूं इनको, ठीक है जी, हाँ आपका कनेक्शन करवा देंगे, तावीज़ जो है वो उतर जाएगा बेहतरीन तरीके से, ऐसा पिंकी पिंकी तावीज़ उतरेगा। नेक्स्ट, तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हा बनाए, अपने हाथों पे मेहंदी तेरे नाम की सजाए, तेरी लेले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना वेरी गुड वीडियो जी, बेहतरीन, आपके कॉन्फिडेंस को 10 में से 10 नंबर है। आपके कंटेंट के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, इसलिए हम बात ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट, वो माने ना माने ये मर्जी है उनकी, वो माने ना माने ये मर्जी है उनकी, मगर उनको पुर करके मुझे जाने जा, दिल दुखाना बुरी बात है, हम तड़पते रहेंगे यहाँ रात भर, हम तड़पते रहेंगे यहाँ रात भर। आगे क्या था, आगे क्या है भाई, हम तड़पते रहेंगे यहाँ रात भर, तुम तो आराम की नींद सो जाओगे, वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये देखे, गुजारिश आप लोगों से, ये जब शेर आप इस्तेमाल करते हैं उसे पूरा होने दिया करें, ठीक है ना, बंद जो है ये चार लाइनों का होता है, चारों लाइनें पूरी होने दें, अगर ड्यूरेशन बढ़ा दें आप कोई मसला नहीं है, नहीं बढ़ रहा तो फिर कोई और शेर उठा ले जो दो लाइनों वाला हो वो आ जाए, खामखा कंफ्यूज ना किया करें, हम परेशान हो जाते हैं फिर, बहुत सारे शेर ऐसे होते हैं हमें याद नहीं होते। नेक्स्ट, कहंदे ओ साड़ी जुत्ती वर्गे भी नहीं जिन्हां दे सर ते तू टपदे है, तू रिहाई ले ले मेरे तो
कैटेगरी होती है, तमाम चलते हैं अगली कैटेगरी टिकटॉक अंकल की जाने पर, देखते हैं अंकल की इस बारे में क्या राय है, लगाइए। तुम्हारे भिदकने की यही वजह है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम इस प्यार के लायक हो नहीं। जब तुमने देखा ना, ये पता है ये प्यार कब हुआ होगा इसे, मैं 100% कह सकता हूँ कोई गोरी बच्ची आई होगी जो कि रेगिस्तान में इसके साथ ऊंट पे बैठ गई होगी। ये ऊंट वाला है, ये ऊंट वाले इतने ठरकी होते हैं कि इनको खुश होकर वो $100 भी दे के चले जाए ना, ये कहते हैं भाई ये तो लट्टू हो गए हम पे। और ये अलग ही मिथ बनाई हुई है खुद साख्ता तौर पर इन्होंने कि जो अंग्रेज लड़कियाँ होती हैं उन्हें पाकिस्तानी लड़के पसंद हैं, जिसकी वजहें भी अजीब गरीब बताते हैं ये। हाँ, दो तीन तो सुनी होंगी आपने। नेक्स्ट, पहले मैं बिल्कुल ठीक था, फिर मैंने इंग्लिश सीख ली, नाउ आई एम फाइन। लिसन टू मी नाउ, झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई गाना बनाना नहीं आता। कैसी बातें कर रहे हैं आप, किसी गाना में गाना नहीं आता। आपको गाना आता है? गाना आता है तो सुनाओ फिर। सुनाना नहीं आता। गुड, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मुझे जो है वो पढ़ना नहीं आता, तो कहते हैं अच्छा चले लिख के बता दें। मैं कहता हूँ जब पढ़ना ही नहीं आता फिर लिख के कैसे बताऊँ। ये है कि क्या लिखा, क्या पढ़ूंगा कैसे, इस वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले होते हैं। ठीक है, आपके साथ जेन्युइन मसला है सर, टेंशन नहीं लें। आपको हम एड्रेस देंगे हैदराबाद का। नहीं, अब आप कहेंगे आपने भी वहीं से इलाज कराया था। जी सर बिल्कुल, आप भी चले इलाज कराए, हम चाहते हैं सबका भला हो। नेक्स्ट, मेरी बेगम ने दिता है सार माल सजना, मैं रन मरीद हो गया का माल सज। ओ कोई तो जर्सी पा लो, असी भी बिस्मिल्ला करिए। वो दाढ़ी में इतना हसीन लगता है जैसे चांद को घेरा हो बादलों ने। ओए बैजा है बड़ा, तू टिकटॉक स्टार पूरे जो छनकनानी ते नैरा दे ठेके लान टुरे हैं, हैं गिरेबाज जाती मार कार ना मीटर काट के तई इथे तू इवेंट करान टुरे हैं मते। ओह चले कोई मसला नहीं है सर, आपके साथ कुछ ज़्यादा ही ज्यादतियाँ होनी हैं, इससे पहले कि ये ज्यादतियाँ इज्तिमाही ज्यादती में बदल जाएँ हम कैटेगरी बदल देते हैं और चलते हैं टिकटॉक फ्रेंड्स की जाने भी, देखते हैं दोस्तों का दोस्ताना यारों का यारा ना क्या गुल खिला रहा है ये ज़माना। टूटे मकान
बार गिर गए वैसे बन दिल वालों के ओ दिल वालों के दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार यार ये मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आई एम नॉट श्योर कि ये है या नहीं। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये फैमिली उसकी तो नहीं है, वो मतलब मैं भी शादी करूंगा या अल्लाह तौफीक दे, कंफर्म जन्नती वाले की है। मुझे वाकई ऐसा लग रहा है, इसकी हरकतें उनकी हरकतें जैसी हैं, तो ये पूरी फैमिली की हरकतें उसी के जैसी हैं, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। वे खुदा का खौफ करो यार, क्या हो गया तुम लोगों को। एक वो आया था पुच्ची सी, मतलब वो अजीब एक, तुम लोग ऐसे नहीं करो यार। नेक्स्ट। नहीं कर सकता कोई साइंसदान बराबरी हमारी। मैं साइकिल पर चांद देखने जाया करता था। फलक तक चल साथ मेरे। पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते जिनके पास पैसे होते ही नहीं। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। दानी चलते प्यार सोनिए, दानी चलते प्यार अखा में सुरमा काला बुला दे लड़ाई हो जाएगी इमरान खान से बात हुई तो। खान साहब की कोई बात जीत नाम जिमें क्या कहा इन्होंने, लड़ाई हो जाएगी खान साहब के लिए कोई बात नहीं, खान साहब के लिए कोई बात नहीं। ओह यस ऑफ कोर्स, ये वो बीवी है जो जिसने ईद के ऊपर अपने मियाँ को शलवार कमीज पे सफ़ेद जॉगर दिलवाने ही दिलवाने, लिख के रख लो। ये ज़बरदस्ती खान साहब का वो वाला फैशन ट्रेंड में निकालेगी जो कि इत्तफाकिया तौर पे वो पहन कर आ गए कि यार चल कंफर्ट है यार आज ये पहन के निकल जाते हैं, ये उसको फैशन बना के छोड़ेगी, लिख के रख लो। नेक्स्ट। मुंबई में और भी पंटर लोग हैं, तुम मेरे पास काहे को आए रे। अरे तुम में और बाकी लोगों में बहुत फर्क है भैया। तुम सुनोगे, आज के बाद गलत टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मारेंगे कूले पे डिंपल निकाल देंगे तुम्हारे। फोन काट। कुछ दोस्त गधे ही सही मगर जरूरी होते हैं। तेरे बगैर वो जिंदगी क्या है। तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते हैं। नहीं हर सुबह वो आपकी हवेली पे आपको सलाम करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा आप क्या कर रहे हैं सलाम करने सुबह में हवेली पे? रात को क्या हो रहा है ये बताएं आप। लाल हवेली का तो हमें पता है, वहां पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, शेख साहब खुद ही नहीं होते वहां पर, तो होगा क्या। मामा ठाकुर की हवेली का भी हमें पता है वहां क्या हो रहा है, वो सबको कहते रहते हैं हवेली पे आ जाना हवेली पे आ जाना। इस हवेली पे क्या हो रहा है ये बड़े हमें जो है वो समझना पड़ेगा, समझते हैं। फिलहाल अगली वीडियो देखते हैं। मत्था टेक जाई नाले सौरे देख जाई, मत्था टेक जाई नाले सौरे देख जाई, नाले छकली पकौड़े जेड़े बने भंग तो हो, काले दे लिबास दी शकीनन। लेकिन अल्लाह तुम दोनों की दोस्ती सलामत रखे। तो जो दोस्त होते हैं ना यार, एक चीज तुमको बता, हम अपनी जिंदगी में काफी टाइम जो है वो घूमने फिरने में और वैसे गुजारते हैं। इंसान को ना साथी बहुत मिलते हैं जो साथ साथ चल रहे होते हैं उसके मुश्किल वक्त में भी अच्छे वक्त में भी। दोस्त जो है ना दोस्त वो बहुत कम मिलता है। मतलब मुझे आज मैं यहाँ तक पहुँच गया, मुझे ऐसा लगता कि शायद फील्ड में भी मेरे पास गिनती के दोस्त होंगे, साथी तो बहुत सारे हैं। अच्छा चलो निकलो। क्या है बहुत हो गया, चलो जाओ। ओए बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं कहता हूँ वो बोलते ना लोग यार कि जिस्म का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा कौन सा होता है, अक्सर लोग जो हैं वो बात करते हैं, एक दोस्त पूछते हैं, लड़के एक दूसरे पूछ रहे हैं जिस्म का सबसे सेंसिटिव हिस्सा कौन सा होता है,
तो उसे बताते हैं कि जी अपने अपने हिसाब से बताते हैं, कोई कहता है जी आँखें, कोई कहता है होंठ वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ यार वाकई जिस्म का सबसे सेंसिटिव हिस्सा दिल होता है, और उस वक्त जब कोई लड़की भाई बोल के चली जाए, यकीन करो बिना गार्ड के आप मैच खेलने के लिए चले जाओ, इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ इस वक्त होगी। नेक्स्ट, तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझसे है हारे मेरे वारे दो जहां, तेरे वास्ते मेरा, तेरे संग एक कुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, मारती दफा हो जा मेरे तो खफा, मैं लूंगा मना इकरार हो गया, रोमेगी मकबरानू हीरे पे। इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है, इंसान भी क्या चीज है, मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज है। हमने तो तमाम कैटेगरीज की तमाम वीडियोस उड़ा दी हैं, और देखते हैं वीडियो ऑफ द डे टाइटल आज किस वीडियो की जाने बढ़ रहा है, दिखाइए। और अकेले रह जाते हैं वो लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो शख्स आदत डालकर रिप्लाई ही नहीं करता। मोहब्बत तो किसी और से थी उसे, मगर मेरा शिद्दत से चाहना पसंद था उसे। दिल में रहकर दिल दुखाती हो मेरी जान, अपना मुकाम देखो और अपना काम देखो। भाई बहुत मुबारक हो आपका डिजी ताज का वीडियो टाइटल आपका प्राइस जो कि सरप्राइज बहुत आपको मिल जाएगा, मिल जाए तो उसकी वीडियो कभी हमें जरूर भेजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी अपने प्रोग्राम में लगाए, लेकिन वादा नहीं करेंगे क्योंकि वादा तो टूट जाता है। हमें दीजिए इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। बत्ती तो बुझा दे मेरे भाई। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।